हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णा सीक्रेट बॉक्स। आज इस वीडियो में हम बहुत ही टेस्टी स्नैक बनाना देखेंगे। बहुत जल्द बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी और क्रिस्पी लगता है, तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हम दो प्याज जो मैंने लंबे लंबे कट कर लिए हैं उसे हम डाल देंगे और इसे हम अलग अलग कर लेंगे। सब हाथ से इसे सब इसी तरीके से मिलाकर हम इसे अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी डाल देंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट रेडी की है, वो 1.5 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डाल देंगे और यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून अजवाइन ले लेंगे और उसे हम मसल के डालेंगे ताकि इसका एक अच्छा फ्लेवर आ जाए और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसमें 1/2 कप से थोड़ा कम मकई का आटा ले लेंगे, वो हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर 1/2 कप हम जो चावल है उसका आटा डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक डो रेडी करेंगे। पानी एकदम से ज्यादा हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पानी डालना है और अच्छा सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। ये देखिए, हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे, उसे अच्छा गर्म करने के लिए रख देंगे और जब तक हमारा जो ये डो है उसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर उसकी हम टिकिया बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके जैसे हम पेटीज की टिकिया बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसकी टिकिया बना के रेडी कर लेनी है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी टिकिया बना लेंगे। हमारी सारी टिकिया बन चुकी है और हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया क्या, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने जो टिकिया रेडी करके रखी थी वो हम डाल देंगे और अच्छा फ्राई कर लेंगे और गैस की जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे ही हमें रखना है और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये जो हम स्नैक बना रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और इसमें हम चावल का आटा और मकई का आटा डालते हैं तो ये हेल्दी भी बहुत होता है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा ये। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम हमारी सारी जो टिकिया हमने बना के रखी है उसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी ये लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये स्नैक, बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये जो रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके और आप मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।